दोस्तों अगर अपनी गुल्ली पुरी और आईफोन वाली चुड़ैल हॉरर स्टोरी पार्ट 1 और 2 अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उसे जाकर देख लीजिए, वरना आपको ये स्टोरी पूरी तरीके समझ में नहीं आएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में भी है। दोस्तों अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि वो आईफोन वाली चुड़ैल गुल्ली बुल्ली की गाड़ी को पलट देती है। गुल्ली बुल्ली उस चुड़ैल से बच के घर में भाग जाते हैं और दरवाजा को अच्छे से बंद कर लेते हैं और फिर वो चुड़ैल उस घर की खिड़की से घुसने लगती है। गुल्ली उस चुड़ैल का मार मार के हालत खराब कर देता है। सोन को लगता है कि वो चली गई। सोन खिड़की से बाहर देखता है, तभी वो चुड़ैल सोन पे हमला कर देती है और उसे लेकर चली जाती है। गुल्ली बुल्ली उस घर के बाहर जाकर देखते हैं, बाहर तो कोई भी नहीं रहता, लेकिन उस घर के छप्पड़ से आवाज आती है। गुल्ली बुल्ली छप्पड़ पे चढ़ने लगते हैं और अब आगे देखिए, गुल्ली बुल्ली जब ऊपर जाकर देखते हैं तो वो सब देखते हैं कि सोन तो चुड़ैल से बचने की कोशिश कर रहा है। गुल्ली बुल्ली पीछे से जाते हैं और वो दोनों चुड़ैल पर स्पीयर लगा देते हैं। वो चुड़ैल तो सीधे नीचे जाकर गिरती है। गुल्ली बोलता है, अब तेरी को कोई नहीं बचा सकता, तुमने मेरे बेटे सोन पर कैसे हाथ लगा दिया। चैन गुल्ली की मैन गुल्ली। और फिर गुल्ली उस चुड़ैल पर ऊपर से छलांग लगा देता है। इतना में भी उन तीनों का मन नहीं भरता। बुल्ली भी रेडी उस चुड़ैल पर छलांग लगाने के लिए। बुल्ली भी उस चुड़ैल पर कूद जाता है। अरे बाप रे बाप, मार देला हमरा के जान। पकड़ कर हम भी कूदेंगे उसको पे। बुल्ली भी सोन के इतना अत्याचार के कारण उस चुड़ैल को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वो चुड़ैल चिल्ला रही होती है, इतने में सोन एक मोटा लट्ठा लाता है और उसके पिछवाड़े पे मारने लगता है। सोन के मारने से उस चुड़ैल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, उसकी दोनों आंखें लाल हो जाती है। कुट्टी कुट्टी कर्दम तेरी अम्मा मेरी माँ। ये कौन सी भाषा बोल रही हो गुल्ली? तमिल बोल रहा हूँ तेरी माँ। वो चुड़ैल उठती है और सोन को पकड़ के जंगलों में लेके चली जाती है। गुल्ली बुल्ली भी चुड़ैल के पीछे भागते हैं। वो चुड़ैल सोन को उड़ा के जंगलों के बहुत आगे लेके चली जाती है। गुल्ली बुल्ली उस चुड़ैल का पीछा नहीं कर पाती, वो थक के वहीं पे रोने लगते हैं। तभी जंगल में किसी के पेड़ काटने की आवाज आती है। गुल्ली बुल्ली उस आवाज का पीछा करते हैं। अरे ये तो वही आदमी है जो गुल्ली बुल्ली को आईफोन बेचा था। गुल्ली बुल्ली उस आदमी को देख के आग बबूला हो जाते हैं और बोलते हैं, मारो मारो, यही है वो खूनी दरिंदा जिसने हमारे सोन को मार डाला, मारो मारो। आज तू ना बची बेटा, जहाँ भाग ले भाग ले। वो आदमी बोलता, पहले मेरी बात तो सुनो। गुल्ली बोलता, क्या मैं सुनूं? तुम्हारी वजह से सोन आज खतरे में है। पता नहीं वो फोन कैसा था, उसी फोन की वजह से वो चुड़ैल हमारे पास आई थी। क्या है वो फोन का राज, अब तुम ही बताओ हमें। वो आदमी बोलता, ठीक है मेरी बात को ध्यान से सुनो। एक दिन जब मैं जंगल में पेड़ काटने के लिए आया तो मैं देखता हूँ कि एक लड़की ब्रांड न्यू आईफोन 14 प्रो मैक्स लेके घूम रही है। मेरे मन में लालच जागता है कि मैं इसे मार के इसका आईफोन मैं ले लूं और फिर मैं अपनी कुल्हाड़ी से इस लड़की पर हमला कर देता हूँ और फिर मैं उस लड़की का डेड बॉडी को एक डब्बे में बंद करके अपने घर में रख देता हूँ और फिर मैंने उसका फोन तुमसे बेच दिया था। गुल्ली बोलता, तुमने बहुत गलत किया है उस लड़की के साथ, तुम्हें तो फांसी ही होगी और मौत की सजा हमेशा मौत मिलती है। बुल्ली बोलता है, अभी तुम्हें हमारा साथ देना होगा, नहीं तो हम तुम्हें यहीं पे मौत के घाट उतार देंगे। वो आदमी बोलता है, ठीक है क्या करना होगा मुझे। सारे लोग उस चुड़ैल को खोजने के लिए जंगल में चले जाते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद उन लोगों को चाकू बजाने की आवाज सुनाई देने लगती है। गुल्ली बोलता है, ये चाकू बजाने की आवाज तो उधर से आ रही है, चलो हम लोग को चलना चाहिए। सारे लोग जब आगे जाके देखते हैं तो उन लोगों की आंखें तो फटी की फटी रह जाती है। सारे लोग देखते हैं कि सोन को तो उस चुड़ैल ने बांध के रखा हुआ है और वो चुड़ैल चाकू के धार को तेज कर रही है, शायद वो सोन को हलाल करने वाली है। तो दोस्तों क्या होगा, क्या गुल्ली बुल्ली सोन को बचा पाएंगे या फिर बाबा को आना पड़ेगा, ये सब हम देखेंगे इस वीडियो के पार्ट 4 में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये है कुछ शॉर्ट आउट जिन्होंने हमारे पिछली वीडियो में कमेंट किया था। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपको शॉर्ट आउट दूं तो इस वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दे। तब तक के लिए बाय बाय।